Welcome, dear students. Today we will discuss an important concept of carbohydrate chemistry. That concept is known as mutarotation. Mutarotation से हमें बच्चों ये आइडिया लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है, और mutarotation से बच्चों हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उनके कितने स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन स्ट्रक्चर ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, कौन स्ट्रक्चर कम एग्जिस्ट करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज के इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, सिक्स मेंबर का भी और फाइव मेंबर का भी। बट सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द फाइव मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं और बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दैट इज mutarotation। मेरे बच्चों अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहां पर देखेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये एनोमेरिक कार्बन है, राइट साइड वाला एनोमेरिक कार्बन होता है। इस एनोमेरिक कार्बन पे बेटे अगर OH डाउन था तो इट इज अल्फा एनोमर। यहां पर आएगा बेटे OH, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर H, यहां पर बेटे OH, यहां पर H और यहां पर आता है CH2OH और यहां पर आता है बेटे H। दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एनोमेरिक कार्बन पे सिंस OH इज डाउन, सो दिस एनोमर इज नोन एज अल्फा एनोमर, इट इज अल्फा डी ग्लूकोज। ये मेरे बेटे अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज को अगर हम मेरे बेटे डिजोल्व करेंगे वाटर में, सर यहां पर क्या होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली एनोमेरिक कार्बन पे OH और एनोमेरिक कार्बन पे OR। साइक्लिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली हेमिएसिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज हेमिएसिटल स्ट्रक्चर? बच्चों यहां पे अगर हम एक ही कार्बन के ऊपर एक OH मॉलिक्यूल देखेंगे और एक OR ग्रुप देखेंगे, इट इज बेसिकली द हेमिएसिटल स्ट्रक्चर। यहां पर देखो एनोमेरिक कार्बन पे OR, एनोमेरिक कार्बन पे OH, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज बेसिकली द हेमिएसिटल स्ट्रक्चर। यहां पर हमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिखता है, वो ओपन चेन में होता है बच्चों। तो यहां पर क्या होगा हेमिएसिटल में? ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बॉन्ड इज हाईली पोलर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, इट मेक्स ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद दिस ऑक्सीजन, OR का ऑक्सीजन जो होता है मेरे बेटे, ये इससे करता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये H इतना क्लोज अप्रोच करता है इस ऑक्सीजन के साथ, इट मैरीज विद दिस ऑक्सीजन। और यहां पर जो ये होगा बेटे, ये भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाएगा और यहां पर निकलता है मॉलिक्यूल ROH, दैट इज बेसिकली नोन एज अल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो होती है बेटे, यहां पे क्या बनेगा? एक बनेगा ROH यानी अल्कोहल का मॉलिक्यूल और बनेगा कार्बोनियल ग्रुप। कार्बोनियल ग्रुप कैसे बनेगा बेटे? सी डबल बॉन्ड O। यह हमने डिस्कस किया था कार्बोनियल केमिस्ट्री में। यानी इन हेमिएसिटल्स देयर इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू विच हेमिएसिटल बिकम्स लेस स्टेबल एंड दे चेंज इनटू अल्कोहल एंड कार्बोनियल ग्रुप। दिस रिएक्शन इज सेल्फ ड्रिवन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में बेटे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एक मॉलिक्यूल से हमें दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, सिस्टम के माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होते हैं, इसी तरह ये एक स्पॉन्टिन्यूअस रिएक्शन होती है बेटे। यहां पर देखो सर, ग्लूकोज का भी
कैसा हेमिस्टल सीन होता है। यहां पर है बेटे ओ आर, यहां पर है ओ एच। जो ये वाला OH है मेरे बच्चों, ये वाला OH भी होगा पोलर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये भी है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या करेगा बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ दिस OH विद दिस ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बेटे ब्रेक करेगा इस तरीके से। यहां भी बनेगा एक ही मॉलिक्यूल में एल्कोहल भी मिलेगा बेटे, और इसी में मिलेगा कार्बोनियल ग्रुप। यानी मेरे बच्चों यहां पर क्या बना, ये बना OH ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर क्या बनेगा मेरे बच्चों, यहां पर यहां पे बनेगा कार्बोनियल ग्रुप और इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन। बाकी हर किसी काइरल सेंटर पे अरेंजमेंट सेम है, यहां है OH, यहां है बेटे H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां पर है H, यहां पर CH2OH, यहां पर है बच्चों H। यानी जब भी मैं किसी एक एनोमेरिक फॉर्म को डिजोल्व किया वाटर में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमिस्टल ग्रुप एट द एनोमेरिक कार्बन, इट मेक्स इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दिस ऑक्सीजन, ड्यू टू विच रिंग ओपन्स, रिंग बेटे ओपन होती है। ये एक ही बीकर में सब चल रहा है बच्चों, जब यहां पे रिंग ओपन होगी एंड वी गेट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो हमें क्या मिला बेटे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ओपन चेन स्ट्रक्चर मतलब कि ये फिशर मिला, अगर मैं इस कार्बोनियल को बेटे थोड़ा सा ऊपर करूंगा, ये फिर से बनेगा वही अपना फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज ओपन चेन। ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बोनियल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड दिस कार्बोनियल ग्रुप इज पोलर, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये हमने पढ़ा बेटे, इट इज ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस ऑक्सीजन के ऊपर है बेटे लोन पेयर, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर फास्टर, तो यहां पे फिर से हो जाएगी बच्चों रिएक्शन। अल्फा को डिसॉल्व किया वाटर में, डिसॉल्व करने के बाद मेरे बेटे हमें मिला ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर में फिर से होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा बेटे, ये कार्बोनियल का जो कार्बन होता है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जब ये एडिशन रिएक्शन करेगा हमें मिलेंगे दोनों एनोमर्स, क्योंकि sp2 इज ए प्लेनर कार्बन। प्लेनर चीज पे अटैक होने के दो चांसेस होते हैं बच्चों, अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। वी विल गेट टू आइसोमर्स, वी विल गेट टू एनोमर्स, दिस कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। अगर अटैक किया बेटे बिलो द प्लेन, सपोज हमें मिला अल्फा एनोमर, OH आएगा यहां पे। जब अटैक होगा अबोव द प्लेन वी विल गेट द बीटा एनोमर। अल्फा को डिसॉल्व किया, ओपन चेन स्ट्रक्चर मिला, ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलने के बाद एक तो रिएक्शन यहां भी हो जाएगी वापस और आगे भी बढ़ेगी, बीटा भी बनेगा क्योंकि ये sp2 कार्बन है जो हमने पढ़ा है बेटे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। यानी यहां पे ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करेगा। अब खाली अल्फा नहीं बनेगा वापस, अल्फा के साथ साथ मेरे बेटे बीटा एनोमर भी एग्जिस्ट करेगा। यानी OH आ जाएगा एनोमेरिक कार्बन पे, अब यहां H आ जाएगा डाउन, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर H, यहां पर बेटे OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, बाकी हर किसी काइरल सेंटर पे अरेंजमेंट सेम रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस एनोमर इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज। देखो मेरे बेटे, व्हेनेवर वन एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब मैंने ग्लूकोज के एक एनोमेरिक फॉर्म को डिसॉल्व किया वाटर में, वेदर अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर, वी गेट अनदर एनोमेरिक फॉर्म एंड इट क्विकली मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। मेरे बच्चों ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ये सारे चीजें इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अभी हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ऐसा सीन कौन कौन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल करेगा वो हम अभी देखेंगे बच्चों। कंडीशंस टू शो म्यूटा रोटेशन, कंडीशंस टू ओपन रिंग स्ट्रक्चर, अभी हम इतना याद रखेंगे। व्हेनेवर वन एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी गेट अनदर एनोमेरिक फॉर्म एंड इट क्विकली मेंटेन्स इक्विलिब्रियम विद ईच अदर।
तो मेरे बेटे, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पे किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती है। यानी ग्लूकोज को अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, हमारे पास बीकर में अल्फा डी ग्लूकोज भी अवेलेबल होगा, बीटा डी ग्लूकोज भी अवेलेबल होगा, और मेरे बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर भी अवेलेबल होगा। यानी इट कंटेन्स कार्बोनियल ग्रुप, दीज टू डज नॉट कंटेन एनी कार्बोनियल ग्रुप, दे आर हेमिस्टल्स। तो मेरे बच्चों ध्यान रखो, एक एनोमेरिक फॉर्म से दूसरा एनोमेरिक फॉर्म मिलना, लेकिन बीच में बनता है, इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच में बनता है बेटे ओपन चेन स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाई कि मैंने आपको बिगनिंग में बोला था कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड्स और दे आर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन्स विच एग्जिस्ट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर एज वेल एज साइक्लिक हेमिएसिटल और हेमिकीटल स्ट्रक्चर। अब देखो मेरे बेटे, नाउ व्हाट इज एक्चुअली द म्यूटा रोटेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटा रोटेशन। अल्फा एनोमर को डिजोल्व किया, अल्फा एनोमर इज बेसिकली अ काइरल मॉलिक्यूल बिकॉज इट कंटेन्स काइरल सेंटर। ये बच्चों काइरल मॉलिक्यूल होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। काइरल होने का मतलब इट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, इट विल शो ऑप्टिकल रोटेशन। अगर मैं बेटे ऑप्टिकल रोटेशन की बात करूंगा, अगर मैंने बीकर में लिया अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज को बच्चों अगर हम यूज करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सिंस इट इज ए काइरल मॉलिक्यूल, काइरल मॉलिक्यूल होने के कारण बेटे ये लाइट को करेगा रोटेट, इट रोटेट्स द लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बच्चों इस लाइट को रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज +112 degrees, 112 डिग्री का ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है अल्फा डी ग्लूकोज, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर हम बात करेंगे बच्चे बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज की, बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज जो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है दैट इज बेसिकली +19 degrees, ये 19 डिग्रीज का बेटे ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो बच्चों, अल्फा को डिजोल्व किया, ऑप्टिकल रोटेशन इज 112 degrees, प्लस बीटा को डिजोल्व किया, ऑप्टिकल रोटेशन इज +19 degrees, बट ए टाइम विल रीच बेटे, चाहे इसको डिजोल्व करेंगे चाहे अल्फा को डिजोल्व करेंगे, ए टाइम विल रीच वी विल गेट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन द बीकर, हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा। इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलने का मतलब इस पूरे मिक्सचर की भी होगी अपनी ऑप्टिकल रोटेशन, एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड, 52.5 अप्रोक्सीमेटली प्लस। दिस इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड बाय द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द ग्लूकोज। यानी जब अल्फा भी प्रेजेंट होगा, जब बीटा भी प्रेजेंट होगा और ओपन चेन भी प्रेजेंट होगा, तब जाके इस मिक्सचर की जो ऑप्टिकल रोटेशन है बेटे दैट इज 52.5 degrees प्लस। अब देखो मेरे बेटे, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। पहली बात, किसी भी एनोमर को डिजोल्व करने के पहले हमें देखना है कि ये प्रोसेस कब होगी, ये प्रोसेस की कंडीशन देखने को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन की कंडीशन। Whenever one anomeric form is dissolved in the water, we get another anomeric form by maintaining the equilibrium. It happens in glucose. अभी हम glucose की बात कर रहे हैं बेटे। तो हमने फिर optical rotation की study किया। Optical rotation हमने हर किसी alpha का देखा, beta का देखा और पूरे mixture का देखा। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, जब हम अल्फा को डिजोल्व करेंगे बिगिनिंग में ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री होगा, कुछ टाइम के बाद इट विल मेंटेन द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की म्यूटा रोटेशन, यानी इक्विलिब्रियम की ऑप्टिकल रोटेशन मेरे बेटे होती है 52.5 degrees।
तो हम यहां भी कह सकते हैं बच्चे, अगर बीटा एनोमर को डिसॉल्व किया, बीटा एनोमर में जो ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा दैट विल बी 19 डिग्रीज, और कुछ टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा क्योंकि अपनी रिंग को ओपन करेगा ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 19 से जाएगा 52 तक और वहां पे रोटेशन रुकेगी बेटे। तो अब ध्यान से दो, अब ध्यान से देखो बेटे, अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, यहां पर 112 से बनता है 52.5, देयर ऑकर्स डिक्रीज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, यानी अल्फा को डिसॉल्व करने के बाद कुछ टाइम के बाद देयर हैपेंस डिक्रीज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड। अगर यहां बीटा को डिसॉल्व करेंगे 19 से बनता है बेटे 52.5, देयर इज इंक्रीज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड। द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड व्हेन वन ऑफ द एनोमेरिक फॉर्म इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। इसी चीज को बच्चों म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, यानी एक एनोमेरिक फॉर्म को डिसॉल्व करने के बाद दूसरा एनोमेरिक फॉर्म भी बनता है इन इक्विलिब्रियम, तब जाके यहां पे इंक्रीज होती है ऑप्टिकल रोटेशन में या डिक्रीज होता है ऑप्टिकल रोटेशन में। जो हमने यहां पर डेटा यूज करके बेटे आपको कंसेप्ट दिया, इसी फिनोमिना को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। तो आप डेफिनेशन लिखो म्यूटा रोटेशन का बेटे, द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड when one of the anomeric form is dissolved in water, this phenomena is known as muta rotation। इसी चीज को मेरे बेटे muta rotation बोलते हैं। सर इस muta rotation से हम और एक concept use करेंगे, जो इस reaction का equilibrium constant है, यानी alpha से beta जाने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज ऑब्जर्व्ड टू बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि ग्लूकोज का बीटा एनोमर इज मोर स्टेबल देन द अल्फा एनोमर, एंड इट इज क्वाइट ट्रू। यानी ग्लूकोज का जो बीटा एनोमर होता है दैट्स ऑलवेज मोर स्टेबल देन द अल्फा एनोमर ऑफ द ग्लूकोज। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज करेंगे, सर इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे ये कितना परसेंट अवेलेबल होता है, ये कितना परसेंट अवेलेबल होता है, ये कितना परसेंट अवेलेबल होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कोई स्पेशीज की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती है, लेकिन कुछ ज्यादा हो सकता है कुछ कम हो सकता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल डेटा यूज करेंगे, बीटा डी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे बिकॉज इट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, तो वो होता है 63.8%, अल्फा अवेलेबल होता है 36%, एंड जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है इट एग्जिस्ट्स ओनली 0.2% एट द इक्विलिब्रियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, यानी अल्फा एनोमर की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन जो होती है दैट इज 36%, एंड बीटा एनोमर की कंसंट्रेशन होती है 63.8%, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है दैट इज 0.2%, लेकिन ग्लूकोज के तीनों स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं बेटे एट अ टाइम इफ डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये हम डिस्कस करेंगे बीटा एनोमर का कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज बीटा एनोमर इज मोर स्टेबल देन द अल्फा एनोमर। बेटे ये 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर रिंग फिलिपिंग करती है जो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब 6 मेंबर की रिंग फिलिपिंग करती है, फिलिपिंग के बाद बनता है इसका चेयर स्ट्रक्चर एक कंफॉर्मर। चेयर फॉर्म बनने के बाद जो इस बीटा की चेयर फॉर्म होती है दैट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देन द अल्फा डी ग्लूकोज का चेयर स्ट्रक्चर। तो मेरे बेटे अल्फा डी ग्लूकोज का जब हम चेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे, चेयर फॉर्म, उसमें सारे ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप्स मीन्स OH ग्रुप्स, वो प्रेजेंट होते हैं मेरे बेटे इक्विटोरियल पोजीशन पे। अगर सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे, देयर इज नो रिपल्शन,
ये बीटा में होता है, सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे, लेकिन अल्फा में एक ओएच ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आता है, एक्सियल पोजीशन पे लगती है रिपल्शन, दैट्स कॉल्ड 1-3 डायएक्सियल रिपल्शन। वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा बेटे यहां पे आपको कि बीटा क्यों ज्यादा स्टेबल होता है देन अल्फा। अगर हम चेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटे, चेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अगर हम चेयर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहां पर वर्टेक्स डाउन है तो एक्सियल भी डाउन होगा, यहां पर वर्टेक्स अप एक्सियल अप, यहां पर वर्टेक्स डाउन एक्सियल डाउन, यहां पर वर्टेक्स अप एक्सियल अप, यहां पर वर्टेक्स डाउन एक्सियल डाउन। देखो बेटे ओएच है एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, अगर हम बीटा की बात करेंगे, बीटा का देखो अप कौन है ओएच, यहां पर आएगा ओएच, दूसरे पे आओ यहां पे आएगा ओएच डाउन द प्लेन, यहां पे ओएच चला जाएगा अबव द प्लेन, यहां पर सीएच टू ओएच चला जाएगा बेटे, दैट्स अबव द प्लेन। ये बेटे बीटा की बात कर रहे हैं, इस एनोमेरिक कार्बन पे अगर हम बात करेंगे लास्ट वाले, यहां पे आएगा सीएच टू ओएच और यहां पर आएगा बेटे एच, इस वाले कार्बन सेंटर की बात करेंगे ओएच आएगा बिलो द प्लेन, एच आएगा अबव द प्लेन। यानी जब हम बीटा डी ग्लूकोज का चेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज द वन ऑफ द कंफर्मर ऑफ दिस सिक्स नंबर रिंग। आप देखो ये बल्की ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे, ये वाला ग्रुप इक्विटोरियल पे, ये वाला ग्रुप इक्विटोरियल पे, ये वाला ग्रुप इक्विटोरियल पे, यहां पे एच आएगा, यहां पे एच आएगा बेटे, यहां पर भी एच आएगा, यहां पर ग्रुप इक्विटोरियल पे। इन चेयर फॉर्म ऑफ बीटा डी ग्लूकोज All the groups are present at the equatorial position. Equatorial position पे होने का मतलब मेरे बेटे सारे groups एक दूसरे से बहुत दूर है, there is no repulsion between the groups. Repulsion कम होने की वजह से, repulsion कम होने की वजह से मेरे बेटे beta anomer ज्यादा stable होता है alpha anomer से। अब ये कैसे stable होगा, वो हमने देखा कि यहां पर कोई repulsion नहीं है। अगर अल्फा डी ग्लूकोज की बात करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करेंगे, एनोमेरिक कार्बन पे ओएच आता है एबो, यहां देखो बेटे, यानी ओएच यहां पे आएगा, यहां पे एबो है बीटा में, अल्फा में ओएच आएगा डाउन, डाउन का मतलब अगर अल्फा का बनाएंगे, यहां पे आया ओएच, यहां पर आया एच, ये ग्रुप आता है एक्सियल पोजिशन पे इन अल्फा डी ग्लूकोज। एक्सियल पे आने का मतलब मेरे बेटे यहां पे एक रिपल्शन लगती है, दैट्स कॉल्ड 1-3 डायएक्सियल रिपल्शन, यहां पर इस तरीके से बच्चे एक रिपल्शन लगती है, दैट्स कॉल्ड 1-3 डायएक्सियल रिपल्शन। अगर एक भी ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आता है, चेयर फॉर्म में लगती है, उस रिपल्शन लगती है वहां पे, दैट रिपल्शन इज कॉल्ड 1-3 डायएक्सियल रिपल्शन। इसीलिए मेरे बेटे अल्फा डी ग्लूकोज कम प्रेजेंट होता है इक्विलिब्रियम पे देन बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हुआ कंसेप्ट। तो म्यूटर रोटेशन क्या होती है बच्चों, डिक्रीज और इंक्रीज ऑब्जर्व्ड इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन वन एनोमेरिक फॉर्म इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, उसी को मेरे बेटे बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। तो उसके बाद हमने बोला म्यूटा रोटेशन से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोले कि जब हम एक एनोमेरिक फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं, ग्लूकोज के एक एनोमेरिक फॉर्म को, वो अपनी रिंग को ओपन करता है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बनाता है उसका बेटा दूसरा एनोमर भी, और ये रिएक्शन हो जाती है इक्विलिब्रियम में, यानी अल्फा भी अवेलेबल होता है इक्विलिब्रियम पे, ओपन चेन भी होता है और बीटा भी होता है, और इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता है, दैट इज बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन द अल्फा एनोमर which is due to in alpha anomer there is 1-3 diaxial repulsion. एक position और तीसरे position के groups आपस में close आते हैं बेटे, अगर हम यहां भी देखेंगे बेटे ये आपस में बहुत close आते हैं 1-3, तो ये आपस में करते हैं थोड़े से repulsions, repulsion की वजह से alpha d glucose की stability थोड़ी सी कम होती है than beta d glucose. उसके बाद सर म्यूटा रोटेशन के लिए कंडीशन क्या है, कौन से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स म्यूटा रोटेशन शो करेंगे
और कौन से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे। देखो मेरे बच्चों, हमने देखा एक ही कार्बन पे अगर OH होगा और एक ही कार्बन पे अगर OR होगा, ये करेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे निकलता है बच्चे ROH प्लस बनता है अपना कार्बोनियल ग्रुप। इसी तरह अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल दिया है, अगर उसके एनोमेरिक कार्बन पे आपको हेमिएस्टर दिखा, हेमिएस्टर दिखने का मतलब वहां पर होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगी बच्चों, तभी वो रिंग ओपन हो जाएगा। रिंग ओपन होने का मतलब ही है म्यूटा रोटेशन होना। अगर हम बात करेंगे बच्चे, अगर हम देखेंगे व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्कोहल को एच पॉजिटिव के प्रेजेंस में लिया, ये करेगा बेटे प्रोटोनेशन, यहां पर बनेगा ROHH, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, वाटर इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, यहां पे बना बेटे R पॉजिटिव, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा बेटे, क्या बनेगा RO, इसके पास है H और R, इस पे आया पॉजिटिव, H पॉजिटिव लीव करेगा माइनस H पॉजिटिव और यहां बनेगा ROR। ये हमने पढ़ा है प्रिपरेशंस ऑफ इथर में। देखो बेटे, ये रिएक्शन होती है बायमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो यहां पे बनता है ROR। ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है बेटे, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में एनोमेरिक कार्बन पे होता है हेमिएसिटल का सीन। देखो मेरे बेटे, यहां पर होगा OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर होगा बेटे OH, यहां पर होगा H, यहां पर होगा बेटे OH, यहां पर H, CH2OH और यहां पर है H। अगर इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएंगे बेटे अल्कोहल के साथ, एनोमेरिक कार्बन पे एक OH और ये आया दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल, सेम मैकेनिज्म, यहां पे निकलेगा H और यहां पे निकलेगा OH, माइनस होगा H2O, H2O के बाद क्या बनेगा बेटे, H2O के बाद इस एनोमेरिक कार्बन पे यहां पर आएगा OR, ये रहेगा H, OHH, OHH, यहां पर है बेटे OHH, यहां तो सेम है CH2OH, यहां पर H। देखो बच्चों, ध्यान दो, यहां पर ग्लूकोज को मैंने रिएक्ट कराया विद अल्कोहल, अल्कोहल मतलब देयर ऑकर्स बायमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, यहां से H निकलेगा, यहां पे जुड़ा OR, मैकेनिज्म सेम है जो मैंने दिखाया अल्कोहल्स में। अगर हम इस कार्बन के ऊपर ध्यान देंगे, अब इस एनोमेरिक कार्बन पे OR और दूसरा OR, इसका मतलब यह हुआ बेटे कि एक ही मॉलिक्यूल पे अगर होंगे दो OR ग्रुप्स, इसको कहा जाता है एसिटल, इट इज नॉट नाउ हेमिएसिटल, इट इज एसिटल और कीटल, देयर इज नॉट एनी फ्री हाइड्रोजन, देयरफॉर इन एसिटल देयर इज नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिटल्स आर क्वाइट स्टेबल, ये बेटे अच्छे खासे स्टेबल होते हैं देन द हेमिएसिटल्स। हेमिएसिटल्स इसलिए कम स्टेबल रहते हैं क्योंकि उनमें होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां अल्कोहल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहां पर देखो बेटे, जब भी मैंने ग्लूकोज को इस एनोमेरिक कार्बन पे OH देखा, तभी जाके मैंने कहा कि यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बेटे रिंग ओपन होती थी, रिंग ओपन होने का मतलब म्यूटा रोटेशन शो करना। लेकिन इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है, इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है ग्लाइकोसाइड्स, इनको ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं बिकॉज यहां पर OR लिंकेज है, ग्लाइकोसाइड के हेमिएस्टर का फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां पर OR और यहां पर भी OR, एक ही कार्बन पे OR, एक ही कार्बन पे OR मेरे बेटे, इट इज एस्टर, इट इज क्वाइट स्टेबल, देयर इज नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन देयर इज नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज नो म्यूटा रोटेशन, क्योंकि बेटे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिंग ओपन होती है। अगर रिंग ओपन ही नहीं होगी बच्चों, तो रिंग ओपन होने का मतलब अगर आप अल्फा को डिसॉल्व कर रहे हो, वो अल्फा का अल्फा ही रहेगा,
अगर आप बीटा को डिजोल्व कर रहे हो, वो बीटा बीटा ही रहेगा, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन, इज द काज टू ओपन द रिंग स्ट्रक्चर इनटू द ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसमें जब रिंग ओपन ही नहीं होगी, अल्फा बीटा में नहीं चेंज होगा, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, तो ग्लाइकोसाइड्स इन जनरल डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। अगर आपके पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल दिया होगा, you have to check whether the carbohydrate molecule will show muta rotation or not. There is only one important concept, that is hum carbohydrate ke anomeric carbon pe check karenge. Agar anomeric carbon pe bachcho hemiacetal dikha, hemiacetal dikhne ka matlab there is intramolecular hydrogen bonding. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग को ओपन करेगा, रिंग ओपन करने का मतलब अल्फा भी मिलेगा, बीटा भी मिलेगा, म्यूटा रोटेशन ऑब्जर्व होगी बच्चों। लेकिन अगर एनोमेरिक कार्बन पे हमें हेमिएसिटल का सीन ऑब्जर्व नहीं हुआ, यानी इफ देयर इज एसिटल और कीटल एट द एनोमेरिक कार्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेदर इट इज मोनोसेकेराइड, वेदर इट इज डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, म्यूटा रोटेशन चेक करने के लिए ओनली देयर इज वन कंडीशन, That is anomeric carbon पे OH और OR दिखा तो म्यूटा रोटेशन ऑब्जर्व होगा। अगर anomeric carbon पे hemiacetal नहीं दिखा, यानी अगर anomeric carbon पे बच्चों OR था यानी OH नहीं था, तो तब जाके वो रिंग ओपन नहीं करेगा, तब म्यूटा रोटेशन शो नहीं होगा। सिंपली कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल पे अगर एनोमेरिक कार्बन पे ओएच दिखा, वहां पर म्यूटा रोटेशन शो होगी, अदरवाइज हम कहेंगे बच्चे कि म्यूटा रोटेशन शो नहीं होते हैं। तो हम हर किसी डाइसेकेराइड में डिस्कस करेंगे, हर किसी पॉलीसेकेराइड में डिस्कस करेंगे, और बेटे हर किसी मोनोसेकेराइड में डिस्कस करेंगे कि वेदर द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विल शो म्यूटा रोटेशन और नॉट। तो अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अबाउट द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स।